आज मैं आपको बॉलीवुड के तीन ऐसे बड़े स्टार के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों को सले से नकार दिया था। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। हॉलीवुड में जाना हर किसी का सपना होता है। ज्यादातर एक्टर एक्ट्रेसेस चाहते हैं कि हॉलीवुड में उनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट बने, ऐसे ही वो ग्लोबल स्टार बनते हैं। जैसे कि दीपिका पादुकोण को देख लीजिए, दीपिका पादुकोण ने एक अलग पहचान बना रखी है, बड़े बड़े ब्रांड्स की वो ग्लोबल एम्बेसडर बन गई है। जैसे कि लुई विटों, उसकी वो ग्लोबल एम्बेसडर बन गई है। इसी के साथ हॉलीवुड में उनकी एक अलग पहचान हो गई है। हाल ही में ऑस्कर में भी उनको एज ए प्रेजेंटर बुलाया गया था। और इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा जोनस, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने तो निक जोनस जो एक सिंगर है उनसे शादी कर ली है। और इसी के साथ जोनस ब्रदर्स भी काफ़ी पॉपुलर हैं। और सिर्फ इसीलिए प्रियंका चोपड़ा पॉपुलर नहीं है कि उन्होंने हॉलीवुड में शादी की है, बल्कि वो इसलिए पॉपुलर है कि हॉलीवुड में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है, उन्होंने एक अलग अपना नाम बनाया है। तो आज हम आपको बताएंगे तीन ऐसे स्टार के बारे में जो बॉलीवुड के बड़े स्टार कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को सरे से निकाल दिया था। इस लिस्ट में नंबर वन पर आते हैं ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन का बॉलीवुड में क्या उनकी पहचान है, क्या उनकी जगह है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो एक कामयाब सुपरस्टार है। इसी के साथ उनके डांस मूव्स आज भी सब को पागल कर देते हैं। ऋतिक रोशन ने हॉलीवुड की फिल्म द पिंक पैंथर 2 रिजेक्ट कर दी थी, और इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन वो ये था। कहा जाता है कि द पिंक पैंथर 2 में ऋतिक रोशन का करीब 2 से 3 मिनट का रोल था, जिस वजह से उन्होंने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 2 पर वो स्टार हैं जिनकी मूवीज चलती ही चलती हैं। हालांकि इधर कुछ मूवीज उनकी नहीं चली हैं, लेकिन बॉलीवुड पर उन्होंने एक छत्र राज किया है और उनकी करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। वो हैं सलमान खान। सलमान खान ने देखिए हॉलीवुड की फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। और इसी के साथ मैं बता दूं, ये डेमोलिशन मैन करके एक फिल्म थी जिसमें सलमान खान को ऑफर मिला था। हालांकि सलमान खान की वजह की तरफ से कोई भी ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। नंबर 3 पर है बॉलीवुड के किंग खान, यानी कि शाहरुख खान। अब देखिए, शाहरुख खान से तो ये सवाल कई बार कई इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आप हॉलीवुड में क्यों नहीं जाते हैं, अगर आप वहां भी जाएं तो आपका नाम ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि हॉलीवुड में भी उनको एक पहचान मिल जाएगी और वो ग्लोबल स्टार कहलाएंगे। तो शाहरुख खान का मानना है कि अभी भी वो ग्लोबल स्टार ही है। इसी के साथ उनको सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में ही काम करना है। और शाहरुख खान को जो फिल्म ऑफर हुई थी वो एक ऑस्कर विनिंग मूवी है। जी हाँ, उस फिल्म को फिर जब शाहरुख खान ने करने से मना कर दिया था तो उस फिल्म में जगह अनिल कपूर को दी गई थी। शायद आप समझ ही गए होंगे मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। मैं फिल्म की बात कर रही हूँ द स्लम डॉग मिलेनियर। स्लम डॉग मिलेनियर में शाहरुख खान को पहले कास्ट किया जाना था, लेकिन उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया था। तो आप इन बॉलीवुड एक्टर के मना करने को लेकर हॉलीवुड की बड़ी फिल्में क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।